यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने सोचा क्यों ना मैं स्टार्ट में थोड़ा डेमो बता दूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे मैं गूगल क्रोम में मैं चले जाता हूँ और यहाँ पे मैं कौन से भी पेज पे चले जाता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा इंग्लिश में। तो जैसे यहाँ पे मैं हिंदी पे चले जाऊँगा, यहाँ पे पूरा हिंदी में आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अगर आपको तो भी जानना है ये मैंने कैसे किया, तो आज इस वीडियो में बने रहिए। बहुत ही मस्त फीचर है, यहाँ पे आप देख सकते हो हिंदी इंग्लिश हिंदी इंग्लिश। तो ये फीचर जानने के लिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है मयूर और आज इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ किस तरह यहाँ पे आप गूगल क्रोम में यहाँ पे लैंग्वेज चेंज कर सकते हो बहुत ही सिंपल वे में। आज मैं बताने वाला हूँ, बहुत सारे यूज़र ऐसे भी है जिनने लैंग्वेज चेंज करना नहीं आता है गूगल पर, मतलब यहाँ पे गूगल क्रोम पर। तो आज इस वीडियो में मैं उसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ इस तरह यहाँ पे आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। तो चलिए अभी बिना टाइम पास किए मैं फटाफट बता देता हूँ। बट यहाँ पे बताने से पहले मैं बता देता हूँ, यहाँ पे कोई भी हमें थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे गूगल क्रोम में ही हमें सेटिंग में चले जाना है। यहाँ पे मैं वो स्टेप भी बताऊंगा, बट यहाँ पे मैं थोड़ा शॉर्ट में इंट्रो बता देता हूँ। मतलब यहाँ पे आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपके क्रोम से ही सेटिंग में हमें देखने मिल जाएगा। तो चलिए अभी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप एक बार प्ले स्टोर पर चले जाइए। प्ले स्टोर पर चले जाने के बाद में यहाँ पे आप सर्च कीजिए गूगल क्रोम। जैसे यहाँ पे आप गूगल क्रोम सर्च करोगे, यहाँ पे ये एप्लीकेशन अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरा अपडेट है। अगर आपका यहाँ पे अपडेट नहीं है तो एक बार आप इसे अपडेट ज़रूर कर दीजिए। मैं अपडेट करने इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज जो भी हमें लेटेस्ट फीचर देखने मिलता है वो यहाँ पे, मतलब जो भी मैं ऑप्शन बताने वाला हूँ वो लेटेस्ट वर्जन में ही है। तो एक बार आप इसे अपडेट भी ज़रूर कर दीजिए। अगर आप अपडेट नहीं करोगे फिर आप मुझे बोलोगे यार भाई तूने ये जो भी बताया यार वो सही नहीं है ये वो, तो एक बार आप इसे अपडेट ज़रूर कर दीजिए। अपडेट होने के बाद में हम इसे ओपन कर दें। यहाँ से ओपन होने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैंने टाइप किया और यहाँ पे मैं विकिपीडिया में चले जाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे अभी पूरा इंग्लिश में आ रहा है और मुझे चाहिए याद है ये हिंदी में आए, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल। यहाँ पे मैं एक बार पीछे चले जाता हूँ पूरा, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे थ्री डॉट पे चले जाना है। थ्री डॉट पे जाने के बाद में हमें चले जाना है यहाँ पे सेटिंग में। सेटिंग में आप जैसे ही आ जाओगे यहाँ पे आप देख सकते हो आपको थोड़ा नीचे चले जाना है और यहाँ पे एडवांस में यहाँ पे आपको लैंग्वेज शो हो जाएगा, तो लैंग्वेज में चले जाना है। लैंग्वेज में जाने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने पहले से हिंदी ऐड कर दिया है। अगर यहाँ पे आपका हिंदी ऐड नहीं है, यहाँ पे एक बार मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, ऐसा कुछ आपके फ़ोन में ऑप्शन रहेगा, तो आप इसे ऐड लैंग्वेज में चले जाइए और यहाँ से हिंदी टाइप कीजिए। हिंदी यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे हिंदी टाइप कर रहे यहाँ पे ये आ जाएगा और इसे मूव टू टॉप कर देना है, मतलब सबसे ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे ऊपर मैं फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहता हूँ हिंदी दो, फिर यहाँ पे इंग्लिश, और ये आपका ऑप्शन ऑन रहना चाहिए, ऑफर टू ट्रांसलेट पेजेस इन अदर लैंग्वेज, ये ऑफ है तो इसे ऑन कर दीजिए। फिर हमें चली जाना है वही पेज पे, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मैं वही पेज पे चली जाता हूँ और यहाँ पे मैं वही टाइप करता हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जैसे यहाँ पे मैं टाइप करूँगा यहाँ पे मैं विकिपीडिया पे आ जाऊँगा, फिर यहाँ पे आप बोलो दे यार ये अभी भी नहीं हुआ मेरे भाई, यहाँ पे नीचे दे रहा अभी यहाँ पे कुछ ऐसा ऑप्शन आ रहा है इंग्लिश हिंदी, तो अगर मैं यहाँ पे हिंदी पे टाइप करता हूँ मतलब चले जाता हूँ तो यहाँ पे पूरा हिंदी में आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये फीचर था, यहाँ पे आप देख सकते हो, और इंग्लिश में चाहिए तो यहाँ से इंग्लिश और यहाँ पे हिंदी। और समझो अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है, यहाँ से समझो आपने ऐसा हटा दिया, तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे आप थ्री डॉट पे चले जाइए। जैसे ही यहाँ पे आप थ्री डॉट पे चले जाओगे यहाँ पे ये आपको ऑप्शन मिलेगा ट्रांसलेट, तो यहाँ पे ट्रांसलेट पे चले जाना है और फिर वो ऑप्शन एनेबल हो जाएगा यहाँ पे हिंदी वाला। तो यही फीचर था, फिर यहाँ से आप हिंदी इंग्लिश चूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। कुछ भी नहीं समझता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।